नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और आपने देखा है कि अभी तक हम लोग जुलाई महीने तक का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं और इसके लिए एक सेपरेट आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है मंथली करंट अफेयर्स 2021 के नाम से। इसी में आपकी 12 महीने की जो भी वीडियो क्लासेस रहेंगी वो आपको डली मिल जाएगी। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस उठा के देखिए, आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे करंट अफेयर्स। समझ रहे हैं आप लोग? फिर सिविल सर्विस को देख लीजिए या स्टेट पीसीएस को देख लीजिए, और भी आपके सेंट्रल एग्जाम होते हैं या स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी तो एग्जाम करवाती है, सभी में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें केवल हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका स्टेटिक जीके भी कवर किया जा रहा है, यानी कि उस क्वेश्चंस का बैकग्राउंड भी पूरा कवर किया जाता है। कि अब मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई रिपोर्ट जारी की गई है, तो रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन उस रिपोर्ट का बैकग्राउंड भी देखेंगे कि कौन उसे जारी करता है, पहली बार कब जारी किया गया था। ठीक है, तो इसमें चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं अगस्त महीने का। पीवी सिंधु ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? बताइए, पीवी सिंधु को तो आप लोग जानते होंगे ना, 2, 3, 4, 5, तो याद रखिए इसमें आपके दो जीते हैं इन्होंने, कितने? दो जीते हैं। और अभी रियो ओलंपिक की रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु ने एक और मेडल अपने नाम किया था, और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और याद रखिए, देखो ओलंपिक अभी कहाँ, टोक्यो जापान में हुए थे आपके, तो उन्हें आप लोग जरूर याद रखिए। COVID-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है, बताइए। और आप सभी को मालूम है कि देखिए कोरोना महामारी ने बहुत साले एक तरह से बहुत समय बर्बाद कर दिया है, हमारी इकोनॉमी को भी आप लोगों ने किस तरह से देखा है कि ध्वस्त किया है सोने, चेन्नई या फिर इसमें रायपुर, गांधीनगर, भुवनेश्वर, क्या होगा इसमें? तो याद रखिए भुवनेश्वर होगा। COVID-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना था कौन? भुवनेश्वर। और आप सभी को मालूम होगा, क्या मालूम होगा भुवनेश्वर के बारे में? उड़ीसा, सुने आप लोग, उड़ीसा का शहर है भुवनेश्वर। और अगर हम लोग उड़ीसा के बारे में बात की जाए, कितना उड़ीसा के बारे में बात करें, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इससे 26 जनवरी 1950 को राज्य बनाया गया था, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और यहाँ आप लोग विधानसभा में 147 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 20 सीट हैं, और यहाँ की मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में नवीन पटनायक हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन भारतीय महिला इटली की लग्जरी ब्रांड वी वी लग लगारी यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बनी है? हरमनप्रीत कौर, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा या साइना नेहवाल? तो याद रखिए इसमें प्रियंका चोपड़ा होंगी, क्या होंगी? प्रियंका चोपड़ा होंगी इसमें। ये लग्जरी, इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी, इसे बल्गेरी भी कहते हैं, ठीक है, इसकी एम्बेसडर बनी है आपकी प्रियंका चोपड़ा। और याद रखिए बल बल गैरी के बारे में बात करें तो अपनी ज्वेलर्स, जेम्स, घड़ियों और परफ्यूम के लिए ये काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे विपिन आनंद की जगह LIC की नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, MD नियुक्त किए गए हैं? LIC कंपनी के बारे में सुने हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। मिनी IP, आशा चोपड़ा, नीलम राव या फिर आपकी रेखा भारद्वाज? तो याद रखिए इसमें आपकी मिनी IP होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप, अगर याद रखिए भूकंप आएगा जैसे ही आपको चेतावनी मिल जाएगी,
और इससे आप देखिए, अगर इस तरह की तकनीक कारगर होती है साबित, तो आप देखिए बहुत सारी हाँ जान मान की माल की हानि से हमें होने से बचाया जा सकता है। तो गुजरात है, उत्तराखंड है, बिहार है, असम। तो याद रखिए इसमें उत्तराखंड होगा। क्या होगा? उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था, और इसे 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 71 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में आप 3 सीटें देखते हैं, लोकसभा में आप देखते हैं यहाँ 5 सीटें हैं। ठीक है, देहरादून इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आपने देखा है कि नई सरकार जब से गठित हुई है, मोदी सरकार आई हुई है, मोदी गवर्नेंस आप लोग कहिए तो मुझे लगता है बेहतर है, क्योंकि सरकार भारत सरकार ही होती है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किनके नाम पर किया गया है? मोदी सरकार देखिए नाम बदलने का काम बहुत करती है। अब देखिए दूसरी सरकार आएगी तो वो भी यही काम करेगी। बलबीर सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मेजर ध्यानचंद, भगत सिंह, बताइए। तो मेजर ध्यानचंद होंगे इसमें। क्या? मेजर ध्यानचंद होंगे। और राजीव गांधी को आप सभी जानते होंगे, राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनके बारे में भी याद रखिए। और आप सभी को मालूम है कि भारत का खेल का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है इसे, ठीक है, अब ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी आप लोग कहते थे, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करें तो 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 1979 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका था। वहीं अगर हम राजीव गांधी पुरस्कार की बात करें या राजीव गांधी की बात करें, तो देखिए राजीव गांधी पुरस्कार 1991-92 में पहली बार इसका गठन हुआ था। कब? पहली बार कब हुआ था? 1991-92 में, ठीक है। और राजीव गांधी की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था और 21 मई 1991 को इनका इनकी डेथ हो गई थी। इनकी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी आपने देखा होगा कि 2020 में रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मन्नी का बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, इन लोगों को दिया गया था आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें याद रखिए मेजर ध्यानचंद होंगे। इब्राहिम रायसी किस देश के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? ईरान है, अफगानिस्तान है, जॉर्डन है, ओमान है। तो याद रखिए ईरान के हैं। कहाँ के? ईरान के हैं। और ईरान आपका एशिया में ही पड़ता है, एक बात आपको मालूम है, एशिया का ही एक तरह से देश है। और तेहरान इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए जब हम लोग आपका वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल कवर कर रहे थे, तो मैप का जो पार्ट होता है उस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी, और मैप का सहारा लेकर पूरी क्लास ने खत्म की हुई थी, उसमें सभी देशों के बारे में भी पढ़ा हुआ था। तो मैप के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बना रखी है, वहां जाकर आप लोग देखिए। मुझे लगता है कि बेहतर आप लोगों को समझ में भी आ पाएगा और आपका एक बहुत बड़ा पार्ट भी कवर होगा। कौन व्यक्ति मोटो जीपी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? मोटो जीपी, ठीक है, कौन व्यक्ति मोटो जीपी क्या बने? मोटो आमिर खान, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली या फिर जॉन अब्राहम, बताइए। तो याद रखिए इसमें जॉन अब्राहम होंगे, अभिनेता है ना, उन्हीं की बात हो रही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है? जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही है, रानी फोगाट, रेशमा खान, धृति बनर्जी और प्रिया पाटिल, बताइए कौन होंगी इसमें? इसमें होंगी आपकी धृति बनर्जी, ठीक है, यानी कि आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे इसमें। क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन। और अगर हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें अगर हम लोग, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। कहाँ? कलकत्ता में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक शुरू हुआ है? बताइए, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो याद रखिए केरल होगा इसमें। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। श्री चित्रा
तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी में भारत की पहली नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किया इसने। और आपको बता दूं कि यह हृदय गति रुकने के मरीजों के रक्त के नमूने, बायोप्सी के नमूने और निदानिक आंकड़े एकत्रित करेगा और उनके इलाज में मददगार भावी उपचारात्मक पद्धतियों का मार्गदर्शन भी करेगा। और केरल के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा केरल में जो भी हमारे देश में इंडेक्स जारी किए जाते हैं उसमें केरल आप लोगों को टॉप पर देखने को मिलेगा। शिक्षा के मामले में देख लीजिए, फिर लिंग अनुपात में महिलाओं की स्थिति के बारे में देख लीजिए, तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम देखेगी। और दक्षिण भारत में आपको राज्य देखने को मिलेगा और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 20 सीटें हैं। देखिए जब भी किसी राज्य का उल्लेख होता है कहीं भी तो उस राज्य के बारे में सामान्य 2-4-10 पॉइंट याद रख लिया करिएगा, सामान्य जानकारी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा होता है तो आप लोग उसके आंसर नहीं दे पाते। हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात हो रही है यानी कि भारत का, ठीक है, इसमें 5 अगस्त है, 7 अगस्त है, 8 अगस्त है या 4 अगस्त है? तो याद रखिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है आपका। और इसकी अगर हम लोग बात करें और इसके बारे में, हथकरघा आप लोगों ने देखा होगा महात्मा गांधी जी, समझ रहे हैं, 7 अगस्त 1907 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और इसी दिन कोलकाता की टाउन हॉल में एक महाजनसभा स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसी याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में अगर कुछ और पॉइंट आप लोगों को बताए जाए, अगर आप लोग कहें तो क्या कहें पॉइंट, हथकरघा आप लोगों ने सुने हैं हथकरघा की? नहीं, देश भर में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही है देखिए कि हथकरघा उद्योग के महत्व और आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में लोगों को बताया जाए, जागरूक किया जाए, ठीक है। और हमारे केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2007 को प्रतिवर्ष 5 अगस्त को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। और इस वर्ष इस दिवस को मनाने के लिए वस्त्र मंत्रालय कन्वेंशन सेंटर द अशोक चाणक्यपुरी नई दिल्ली में एक समारोह आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और याद रखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि क्वेश्चंस अगर बने तो आप लोग इसके आंसर दे सकें और देना भी चाहिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ये तो मुझे लगता है याद होगा, रघुवीर नंदा, नीरज चोपड़ा, नीलेश जैन, वीरेंद्र राठौर। तो नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4, 5 या फिर 7, 9? तो याद रखिए 7 जीते हैं। क्या जीते हैं? 7 जीते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इससे पहले भारत ने लंदन ओलंपिक 2006 में 6 पदक जीते हुए थे, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। एक तो स्वर्ण जीता है, 2 रजत जीते हुए हैं, 4 कांस्य पदक जीते हैं, टोटल मिला के 7 हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कौन कौन से 7 पदक जीते हुए हैं? एक तो आप लोगों को बता चुका हूं, 1 रजत, माफ करिए, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। तो इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं? 7। तो 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और एक बात और आपको बता देता हूं, देखिए कि मुझे देखिए ओलंपिक जो भी इस तरह के खेल होते हैं उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, तो आप लोग जरूर याद रखा करिएगा और इनके बारे में, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 73वीं, 75वीं, 77वीं या 79वीं? तो याद रखिए 79वीं मनाई गई है। और अगस्त क्रांति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो जो आप लोगों ने देखा है ना
कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, उसे महात्मा गांधी ने एक तरह से करो मरो का आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन भी कहा जाता है, इसे ही अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट व्यक्तित्व अनुपम श्याम का निधन हो गया, मौत हो चुकी है। कौन थे? अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे या पत्रकार थे? तो याद रखिए, ये अभिनेता थे। और मुझे लगता है कि कोरोना महामारी 2020-21 पत्रकारों के लिए, अभिनेताओं के लिए अच्छा नहीं रहा है। बहुत सारे अभिनेता इसमें गए हैं, आपने देखा है। और इन्हें पत्रकार थे, क्या थे? अभिनेता थे, फिल्मों और टेलीविजन इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता थे अनुपम श्याम। इनका 63 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है। उन्होंने सत्या, दिल से, लगान, हजारों ख्वाहिशें जैसी कई फिल्मों में काम भी किया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन घरों की आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी होम लैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? विराट कोहली, एम एस धोनी, अक्षय कुमार या नीरज चोपड़ा? तो बताइए। देखिए, एम एस धोनी इसमें होंगे। कौन होंगे? एम एस धोनी होंगे। आप देखते हैं ना, इसकी स्थापना आप देखिए कब हुई थी, 2014 में बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी को तो आप लोग जानते ही होंगे। तिथि बस विश्व आदिवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। 9 अगस्त, 10 अगस्त, 8 अगस्त या 11 अगस्त? तो याद रखिए, 9 अगस्त को ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 11 अगस्त को। और आप देखिए, अगर किसी में अगर अभी भी अपनी संस्कृति को बना के रखा हुआ है तो वो है आदिवासी। और आप देखिए, इनके क्षेत्र में कभी जाया करिए तो बड़े सचेत होकर जाया करिएगा, क्योंकि ये जान तक लेने पर उतारू हो जाते हैं। और इसे मनाने का उद्देश्य यही है, विश्व आदिवासी दिवस मनाने का, कि दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन योगदानों को स्वीकार करना जो स्वदेशी लोग वैश्विक मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण हेतु एक काम करते हैं। पर्यावरण को काफ़ी अच्छा मतलब सुरक्षा करते हैं, उसकी संरक्षण करते हैं आदिवासी लोग। ठीक है, और यह दिन 1982 में जेनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता देता है। और यह संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार 1994 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। और इसकी इस बार की अगर थीम की बात करें तो किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, इस बार की थीम रखी गई थी। अब यूएन की बात हुई है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की, तो आपको बता दूं 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा, देखिए किसी व्यक्ति को आप लोग शेर कह दीजिए, बड़ा खुश होता है। आप देखिए, किसी को जानवर कह दीजिए, बड़ा दुखी होता है। किसी को कुत्ता कह दीजिए, बड़ा दुखी होता है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जानवर तो शेर भी होता है, लेकिन हाँ, उसका रुतबा अलग रहता है। तो इसमें 8 अगस्त कह रहा है, 9 अगस्त कह रहा है, 10 अगस्त कह रहा है या 11 अगस्त, क्या रहेगा इसमें? तो याद रखिए, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि शेरों की संख्या घटती जा रही है, इसके लिए भी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक तरह से मनाने की बात होती है, इनका संरक्षण हो सके और इनकी सुरक्षा हो सके। आजकल इनसे, शेरों से हमें खतरा नहीं है, शेरों से, आप देखिए, शेरों को हमसे खतरा है। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग उनके आवास में घुसते चले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 10 अगस्त, आपके सामने है 11 अगस्त, 12 अगस्त और 8 अगस्त। तो याद रखिए, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। आपका विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है और बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा, एक तरह से इस बार की थीम रखी गई है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या रखी गई है इस बार की थीम रखी गई? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा। और इस 1853 में सर रुडोल्फ डीजल के अनुसंधान प्रयोग के सम्मान में ये मनाया जाता है। 1853 में उन्होंने मूंगफली के तेल से ईंधन इंजन चलाया था।
उनके प्रयोग के बाद की सदी में विभिन्न यांत्रिक इंजनों को इंजन ईंधन देने के लिए जीवाश्म ईंधन की जगह सब्जी के तेल का दरवाजा खोला गया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं उसी की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? काकोरी कांड के बारे में सुने हो या नहीं सुने हो? काकोरी ट्रेन जंक्शन, काकोरी ट्रेन ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन फ्रीडम, काकोरी ट्रेन कंट्रोल, बताइए। तो काकोरी ट्रेन एक्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया राज्य सरकार ने। और आपने देखा होगा ये 1925 की बात है, 9 अगस्त 1925 की बात है, काकोरी में एक ट्रेन हादसा हुआ था। पता है भारतीय जो क्रांतिकारी थे हमारे, इन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लिया था। ठीक है, समझ रहे हैं, तो उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें यूपी की, तो आप सभी जानते हैं क्योंकि यूपी ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की सत्ता है, अगर इसकी आप लोगों को रास्ता अगर कहीं से चुनना है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखिए विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सबसे ज्यादा सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में ही सीटें देखने को मिलेंगी। अगर उत्तर प्रदेश अगर किसी ने जीत लिया तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आधा रास्ता लगभग कवर कर लेते हैं वो लोग। और यहाँ आप देखेंगे तो आप लोग, इसकी राजधानी लखनऊ है और 24 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था। 24 जनवरी को आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। विधानसभा में यहाँ 403 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का 75 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है? एक किससे जुड़े हुए थे, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर फुटबॉल? तो याद रखिए हॉकी से जुड़े हुए थे। किससे? हॉकी से जुड़े हुए थे। 75 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। 1978 में अर्जेंटीना में हुए विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था इन्होंने, गोपाल भेंगरा ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, AFI ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस बनाने की घोषणा की हुई है? तो 5 अगस्त, 6 अगस्त या 7 अगस्त या 9 अगस्त। तो याद रखिए 7 अगस्त को की है ये, कभी 7 अगस्त को, क्योंकि आप देखिए स्वर्ण पदक जीत के लाए हुए हैं तो एक तरह से मनाने की घोषणा की गई है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, AFI की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 120वां, 122वां, 125वां या फिर 128वां, बताइए। 100 क्या मिला है? 122वां। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा आपसे, और भारत को 122वां में दिया गया है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक भी से आप लोग कहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 181 देशों को शामिल किया गया था इसमें, और 181 देशों में हमारा नंबर है 122वां, यानी कि कोई खास अच्छी स्थिति नहीं रही है। और सिंगापुर पहली बार टॉप पर है इसमें, इसके बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा, डेनमार्क का नंबर आता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नीचे के सबसे नीचे देशों की बात करें तो चार, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान और नाइजर का नंबर आता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भारत 122वें स्थान पर है। ठीक है,
किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? गुजरात, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र। तो याद रखिए महाराष्ट्र ने, ठीक है, किसने? महाराष्ट्र ने घोषणा की हुई है। और इसमें भारत सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत की है। और महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा ये, ठीक है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि इसकी राजधानी मुंबई है। और इसकी अगर विंटर राजधानी की बात करें तो नागपुर आपको देखने को मिलेगी। और 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में 288 सीटें देखने को मिलेगी और विधान परिषद में 78 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में यहाँ 19 सीटें हैं और लोकसभा में 48 सीटें हैं। और अभी अभी सा अभी सा आप लोग जानते होंगे कि उद्धव ठाकरे यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व बालाजी तांबे का 81 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी, वह क्या थे? आयुर्वेदाचार, ज्योतिषाचार और वैज्ञानिक लेखक। तो याद रखिए आयुर्वेदाचार थे, ठीक है, और इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बालाजी तांबे अध्यात्मिक गुरु माने जाते थे। 81 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है। और आयुर्वेद चिकित्सक और योग के काफी समर्थक भी थे। और आपको बता दूं तांबे लोनावाला में एक चिकित्सा केंद्र, आत्म संतुलना गांव के संस्थापक, और अध्यात्मकता, योग और आयुर्वेद पर कई पुस्तकें भी के लेखक भी थे, ठीक है। कौन व्यक्ति एस बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी बने हुए? एस बैंक के नए सूचना अधिकारी के बारे में, आदित्य चक्रवर्ती, राजपाल देसाई, महेश राममूर्ति, रामस्वरूप शर्मा। तो याद रखिए इसमें महेश राममूर्ति होंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। एस बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हो रही है, कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है कुछ, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त। तो याद रखिए 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, 12 अगस्त को दुनिया भर में, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये युवाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें मौका देने के अवसर के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस वर्ष की अगर थीम की याद करें तो ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, इस बार की थीम रखी गई है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, इस बार की थीम क्या रखी गई है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, इस बार की क्या है थीम है, तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1999 को यह तय किया था कि हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। और यह फैसला युवाओं के जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा 1998 में दिए गए सुझावों के बाद लिए गए थे। और इसके बाद पहली बार अगस्त 2000 सन 2000 में ये मनाया गया था, इंटरनेशनल यूथ डे, दो सन 2000 के बाद से हर साल 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। एक राष्ट्रीय युवा दिवस भी आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना हो? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया था इस दिन को, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपके स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में, एक तरह से आप सभी को मालूम होगा। क्या मालूम होगा? कुछ मालूम है? 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इनकी डेथ 4 जुलाई 1902 में हो गई थी, ठीक है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस बार की थीम क्या रखी गई है,
राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर रहा हूँ, युवा उत्साह नए भारत का इस बार की थीम रखी है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में भी आपको याद रखना होगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 10-12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है? कौन भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है? इसमें नागपुर है, जलगांव है, पानीपत है, या फिर आप देखिए इंदौर है। क्या होगा इसमें, क्या होगा बताइए? इंदौर होगा इसमें, क्या होगा? इंदौर होगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, वाटर प्लस, और इंदौर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर में भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है। बता दें कि वाटर प्लस का प्रमाण पत्र तो उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण किया है, और साथ ही आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट मल होता है, गलत खराब जल होता है, इसका उपचार किया हो, साथ में पर्यावरण में इसे स्वच्छ करके छोड़ा हो। ठीक है, ट्रीट वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग में भी सुनिश्चित किया हो जाता है। तो ये आप लोग इंदौर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ए ऑप्शन इसमें कह रहा है आपसे, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मणिपुर। तो याद रखिए इसमें छत्तीसगढ़ होगा आपका। क्या होगा? छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही होगा आपके सामने। तो ये आप लोगों को याद रखिए। इस छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बताऊं तो आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 में इसे मध्य प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, और रायपुर इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसका नया नाम अब रायपुर अटल नगर रख दिया गया है। यहाँ विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय औषधि मूल निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? राष्ट्रीय औषधि मूल निर्धारण प्राधिकरण NPPA के नए अध्यक्ष बने हैं। इसमें कह रहा है रविंद्र प्रजापति, कमलेश पंत, लोकेश त्रिपाठी और राजेंद्र चौधरी। तो याद रखिए कमलेश पंत होंगे इसमें, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 29 अगस्त 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसे जुलाई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? ग्लेन मैक्सवेल, साकिब अल हसन, कुशाल परेरा, शार्दुल ठाकुर। तो याद रखिए साकिब अल हसन होगी इसमें। ठीक है, जुलाई प्लेयर ये हर महीने में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ICC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका दुबई USA में, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में देखने को मिलेगा, UAE में। ठीक है, अगर अब देखिए पुरुष की बात हो गई, महिला की भी हो बात होनी चाहिए। किसे जुलाई 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? स्टेफनी टेलर, स्मृति मंधाना, मैगन स्कॉट, सोफी डेविन। तो याद रखिए इसमें आपका स्टेफनी टेलर होंगी। ठीक है, जारी उसे फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है? भारत, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो याद रखिए बांग्लादेश होगा इसमें। और एक बात और आपको बता दूं कि देखिए बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो और आप लोगों को एक और बताऊं कि बांग्लादेश 1971 का जो हमारा और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, इंदिरा गांधी के समय, उसी समय नया देश उसमें उभर के आया था बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है कि नहीं है? ठीक है, तो ये भी आप लोग, और टका यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जारी हाउस से फेस फ्रेस की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? ए आपका, देखिए सबसे प्रदूषित देश पूछ रहा था और ये आपका शहर पूछ रहा है, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो ना। भोपाल भारत का, ढाका बांग्लादेश का, हॉटन चीन का, लाहौर। तो याद रखिए हॉटन इसमें चाइना होगा।
और चाइना को आप सभी जानते हैं कि बीजिंग इसकी राजधानी है और हमारा पड़ोसी है। और आप सभी जानते हैं कि लद्दाख हो या फिर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो, कहता रहता है कि हमारा हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप देखिए किसी की डेथ हो जाती है और क्या एक्सीडेंट में किसी की एक तरह से मौत हो जाती है, तो अब आप सोचिए कि उसके अंग जो शरीर के अंग होते हैं उनका कोई काम नहीं बचता है, अगर उन्हें दान किया जाता है तो आप देखिए कई लोगों को नई जिंदगी दी जा सकती है जिन्हें इन अंगों की जरूरत होती है। तो इसी को एक तरह से जागरूक करने के लिए लोगों को, क्योंकि हमारे देश में आप देखिए अंगदान कम ही होता है, तो इसलिए विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ये 11 अगस्त को मनाते हैं, 13 को या 15 को या 16 को, तो याद रखिए 13 अगस्त को मनाते हैं। कब? 13 अगस्त को मनाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए मुझे लगता है, विश्व अंगदान दिवस। और ऐसा माना जाता है कि देखिए एक शरीर, एक आदमी अगर अपना शरीर दान करता है तो लगभग वो 8 लोगों की जान बचा सकता है। अब आप सोचिए कि कितनी, मतलब आप सोचिए कि किसी की डेथ अगर उसमें हो जाती है एक्सीडेंट में, तो उसके लिए कुछ किसी भी कारण नहीं बनता है, हृदय हो गया, लीवर हो गया, गुर्दे हो गए, आंतें हो गई, फेफड़े हो गए, अग्नाशय हो गए, आप समझ रहे हैं ना, भी आंखें भी आप देखिए दान की जा सकती हैं, कुछ ऐसे भी आप लोग याद रखा करिएगा। ये आपका नसें, हृदय छिद, अस्थ ऊतक, त्वचा ऊतक, आंतें, आंख की पुतली की रक्षा करने वाले सफेद सख्त भाग, पाचक ग्रंथि, कलेजा, आंख, हृदय, फेफड़ा, किडनी, ये दान किए जा सकते हैं, समझ रहे हैं आप, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और पहला सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, और डॉक्टर जोसेफ मरे ने 1990 में जुड़वा भाइयों रोनाल्डो और रिचर्ड हैरी के बीच किडनी ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक करने किया था, और इन्हें फिजियोलॉजी मेडिसिन में पुरस्कार भी मिला था इन्हें नोबेल का, तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं, रखोगे या नहीं रखोगे। और 1990 में एक तरह से उन्हीं की उसी समय को आप लोग कह सकते हैं कि इसे मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में चुना गया है? किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में चुना गया है? मनीषा राव, रजनी पांडे, जोया अग्रवाल, नमिता कुमारी, तो याद रखिए जोया अग्रवाल होंगे इसमें, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? 12 अगस्त या 14 अगस्त, 15 अगस्त या 17 अगस्त, तो याद रखिए 14 अगस्त को की है इसे। और आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था इस दिन, और आपने देखा है कितना खूना खराबा हुआ, दंगे फसाद हुए, तो उसी याद को एक तरह से इसे कहते हैं कि लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है, 1947 की बात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र की शुरुआत हुई है? बताइए किस भारत के राज्य में पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र शुरू की गई है? पंजाब, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, तो याद रखिए केरल में की गई है, और केरल में की गई है, कहाँ की गई है? केरल में की गई है, दक्षिण भारत में आप लोग केरल राज्य देखते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूँ। केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की है।
डॉन के खतरे के पहलुओं को हल करने के अलावा इस प्रयोगशाला सह अनुसंधान केंद्र में मानव रहित हवाई वाहनों की उपयोगिता पक्ष की भी जांच की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? काजीरंगा रेडवुड, बल पाकराम, गोगामल। तो याद रखिए काजीरंगा होगा इसमें, क्या होगा? काजीरंगा होगा। अब आप लोग कहेंगे काजीरंगा है कहाँ आखिर? असम में आपको देखने को मिलेगा। काजीरंगा के बारे में सुने हो आप लोग? असम में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए, भारतीय गैंडे के लिए विशेष रूप से काफी प्रसिद्ध भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, और असम के बारे में यहाँ अगर हम कुछ बातें बता दूं आप लोगों को, क्योंकि आप देखिए कि असम, समझ रहे हैं, असम ये पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं इनसे, क्वेश्चंस राज्यों से, जब भी ये चर्चा में रहता है राज्य। तो 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था, और हेमंत बिस्वा सरमा यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेंगी, 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के दिग्गज फुटबॉलर रहे गर्ड मूलर का 75 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है? जर्मनी के थे, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना के थे, उरुग्वे के थे, या इटली के? तो याद रखिए जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, फुटबॉलर खिलाड़ी थे। तो ये भी आप लोग, इन्होंने जर्मनी के लिए 62 मैच खेले और 68 गोल दागे थे। ठीक है, और 1974 में उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में विजयी गोल गोल करके टीम को विश्व कप ट्रॉफी भी जिताई थी। 1972 में इन्होंने जर्मनी को यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और जर्मनी अब सभी को मालूम होना चाहिए, जर्मनी कहाँ दे, यूरोप का एक देश है जर्मनी। समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे हो? राजधानी बर्लिन है इसकी, राजधानी जर्मनी की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक बना है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? भारत में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? तो याद रखिए दूसरा ये होगा। क्या होगा? दूसरा होगा। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नवीनिकृत और अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक बनाया गया है। और आपको बता दूं कि जापान के बाद यह दुनिया का दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का कहाँ है? जापान में। इस अनूठे संस्थान में एक से बढ़कर एक वनस्पतियों के प्लाज्मा संरक्षित होंगे, और जरूरत के अनुरूप संरक्षित प्लाज्मा से यहाँ वनस्पति की संबंधित प्रजाति फिर से विकसित की जा सकेंगी। वहीं इनकी मदद से नई प्रजातियों का भी विकास संभव हो सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? एम्स ऋषिकेश, अपोलो जयपुर, एम्स दिल्ली, फोर्टिज लुधियाना। तो याद रखिए एम्स दिल्ली की बात हो रही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, फायर स्टेशन वाला पहला अस्पताल बना है नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं ना आप लोग। और इसका उद्देश्य यही है कि आग से होने वाले नुकसान को बचाया जाए। आए दिन अस्पताल में होने वाली आग की घटनाएं होती रहती हैं, इस पर कंट्रोल किया जा सके एक तरह से। अब देखिए दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दिल्ली की बात होती है तो यहाँ के मुख्यमंत्री की बात जरूर होती है। और कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो आप सभी को मालूम होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री हैं या नहीं है। और यहाँ आपको 70 सीटें विधानसभा में देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने मोहला, मानकपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ नाम से 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ ने की हुई है। भूपेश बघेल को आप लोग जानते हैं ना, मध्यप्रदेश से अलग करके राज्य बना था, उसी की बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की, अब राज्य में कुल कितने जिले हो गए? तो याद रखिए 30 या 32 या 34 या 35। तो याद रखिए 32 हो गया।
कितने हो गए, 32 जिले हो चुके हैं यहाँ, 32 जिले छत्तीसगढ़ में। और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ हुआ करता था, छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, पता है आपको, सबसे बड़ा राज्य था यहाँ का। यहाँ 90 सीटें आपको विधानसभा में देखने को मिल जाएंगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 11 सीटें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता आनंद कन्नन का 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तमिल से जुड़ी थी, भोजपुरी या मराठी या पंजाबी। तो आपको मालूम होना चाहिए ये तमिल के एक तरह से अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सुडोकू खेल के निर्माता का 69 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है। सुडोकू खेल के निर्माता का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। इनका नाम क्या था, माकी काजी, डोनल्ड एडवर्ड, फेलिक ग्रास, एली रोबिनसन। तो याद रखिए माकी माकी काजी, ठीक है, इनका नाम था। और आपको बता दूं कि ये जापान के थे। एक विश्व चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया था 2006 में इस खेल को लेकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन खिलाड़ी अम्बे इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है, पीवी सिंधु, भवानी देवी, मीराबाई चानू या हरमनप्रीत कौर। तो याद रखिए मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की हुई है, बताइए। इसमें आपका क्या है, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया हुआ है, आपकी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की हुई है, और 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है। और इससे क्या होगा कि लाभार्थियों के परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की राशि सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते से संबंधित किसी भी विसंगति को 15 दिन के भीतर हल करने के लिए एक सिस्टम भी बनाएगी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, अगर किसी को फायदा मिलता है, गरीबों को। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत कुमार अग्रवाल किस राज्य की पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं, गुजरात, हरियाणा, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो याद रखिए हरियाणा के हैं, हरियाणा के हैं, ठीक है। और हरियाणा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होगा कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था, और यह इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ विधानसभा में 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस की बात कर रहा हूं मैं, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त या 20 अगस्त। तो याद रखिए 19 अगस्त को ये मनाया जाता है, कब, 19 अगस्त को ये मनाया जाता है दुनिया भर में, तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और इसकी शुरुआत फोटो दिवस की 1837 में फ्रांसीसी लुईस डोगेल और जोसेफ नाइसफोर्ड निप्से द्वारा विकसित एक फोटोग्राफी क्रिया डोगोरो टाइप के आविष्कार से हुई थी। यह 19 अगस्त 1939 को था, ठीक है, तब से ये शुरुआत हुई एक तरह से। तो आप लोग याद रख सकते हैं, रखोगे या नहीं रखोगे। यानी कि विश्व फोटोग्राफी दिवस, इसका महत्व तो यही है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस सिर्फ उन्हीं लोगों को याद करने के लिए नहीं मनाया जाता है जिन्होंने फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि यह फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करती है कि इसमें अपना करियर बनाइए आप लोग। 182 साल पहले एक तरह से ली गई थी दुनिया की पहली सेल्फी, आप समझ रहे हैं। और आज आप देखिए लोगों में जागरूकता एक तरह से
कितनी सेल्फी के भी थी। फोटोग्राफी की शौकीन या प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए 19 अगस्त 2010 का दिन ऐतिहासिक था, क्योंकि इसी दिन पहली वैश्विक ऑनलाइन गैलरी की मेजबानी की गई थी और जिसमें 250 से अधिक फोटोग्राफरों ने अपनी अपनी तस्वीरों के माध्यम से विचारों को भी साझा किया था। यह ऑनलाइन गैलरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, बताइए। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो याद रखिए हरियाणा होगा इसमें, क्या होगा, हरियाणा होगा इसमें। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर अनैतिक प्रथाओं का जिक्र करने के लिए किया जाता है और आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये फैसला लिया था। ठीक है, गोरखनाथ समुदाय के एक प्रतिनिधित्व से मुलाकात के बाद उन्होंने इस पर एतराज जताया था, तो इसका नाम बदल दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है, बताइए। तो इसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। तो याद रखिए राजीव गांधी, और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि राजीव गांधी साहब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, समझ रहे हैं। और राजीव गांधी की अगर जन्म की बात करें तो 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था और इनकी इनकी डेथ 21 मई 1991 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, सद्भावना दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति सूचना प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं, पूरन कुमार, ऋषि गोपाल, जितेंद्र कोहली, अपूर्व चंद। तो याद रखिए अपूर्व चंद होंगे इसमें, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य में भारत का पहला स्मॉक टावर लगा है, स्मॉक टावर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा। तो याद रखिए दिल्ली में होगा, कहाँ होगा, ये वायु प्रदूषण को काफी हद तक एक तरह से रोकेगा, समझ रहे हैं, हवा को शुद्ध करेगा। ठीक है, और यह है स्मॉक टावर प्रति सेकंड 1000 घन मीटर हवा को साफ करेगा, तो आप समझ सकते हैं, आप सोचिए कि वायु प्रदूषण को हम लोग कितना वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, उसी का नतीजा हम लोग भुगत भी रहे हैं। कौन सा राजमार्ग भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है, कौन सा राजमार्ग भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है, चेन्नई पुडुचेरी हाईवे, या फिर आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, मुंबई पुणे हाईवे, मनाली लेह हाईवे, तो बताइए। तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे आपका क्या बना है, भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी जिसे आप लोग भेल कहते हैं, ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फ्रेम फर्स्ट योजना के तहत इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया हुआ है और सौर ऊर्जा से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के व्हीकल को चार्ज कर सकता है। एक बात और आपको बता दूं, अगर आप देखिए चार्जिंग की व्यवस्था हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, सस्ते भी पड़ते हैं और एक तरह से आप समझिए कि इन्हें काफ़ी क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण से भी रोक सकते हैं, तेल, कच्चा तेल इसमें भी हम लोगों का जो आयात करते हैं इसमें भी आप घटौती होगी। ठीक है, भेल की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति इंडियन बैंक के नए MD और CEO बने हैं, मनोज कुमार वर्मा, शांतिलाल जैन, गोपाल लाल राव, आदिल खान शेख। इंडियन बैंक की बात हो रही है, किसकी, इंडियन बैंक की बात हो रही है, तो याद रखिए शांतिलाल जैन बने हुए हैं, इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इंडियन बैंक की बात करें तो 15 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दिए गए 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑन मेलबर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा और या दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नांडिस। तो याद रखिए विद्या बालन होगी इसमें, विद्या बालन को 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है आखिर।
तो इसमें 21 अगस्त, 22 अगस्त, 20 अगस्त, 19 अगस्त, बताइए कब मनाएंगे? तो याद रखिए इसे 21 अगस्त होगा, इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसे मनाने के उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो ये दुनिया भर में मनाया जाता है, और वृद्ध लोग हैं, इनकी स्थिति आप सभी जानते हैं कि इस बार किस तरह इनकी स्थिति रहती है, इनके साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप सोचिए कि हम लोग अभी जवान हैं, हमारा भी देखिए बुढ़ापा आएगा, और हम जो इनके साथ भेदभाव करेंगे अपने बुजुर्गों के साथ, वही मुझे लगता है कि हमारे साथ मिलेगा, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और आप देखिए कि कहते हैं ना कि वो एक माँ बाप 10 10 बच्चों को पाल सकते हैं, और पालते भी हैं, और आप देखिए लेकिन 10 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, ये हमारी स्थिति है। तो इन्हीं के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए एक तरह से ये रखा गया है, ये क्या किया गया है, मनाने की बात हुई है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया था, और इस दिन स्थापना अधिकार तौर पर संयुक्त राष्ट्र राज्य के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में बड़े वयस्क और उनके मुद्दों को एक दिन समर्पित करने किया था। ठीक है, एक बात, और इस बार की अगर थीम की बात करें तो पैंडामिक से डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, इस बार की थीम रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 21 अगस्त आप लोग याद रखिए। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के कौन से नए प्रधानमंत्री बने हैं? 4वें, 7वें, 9वें, 10वें? तो याद रखिए ये हैं आपके 9वें, कहाँ के? मलेसिया। मलेशिया आप लोग घूमने के लिए कहते हैं ना कि मलेशिया जा रहे हैं, और ये दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है, और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो कुआला लंपुर इसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का 89 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात? तो याद रखिए ये उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। और कल्याण सिंह के बारे में अगर बात करें तो भाजपा की काफी कद्दावर नेता रहे, और बीजेपी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और इनका जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ था, और इनकी डेथ 21 अगस्त 2021 में हुई थी लखनऊ में। ठीक है, इन बाद में समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए थे कुछ समय के लिए, इस तरह के कई पार्टियों में रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत हुई है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में ये की गई है, और क्या की गई है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरुआत की गई है इसकी। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपनी सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर भारत की 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है, और यह फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन जिसमें एक अद्वितीय एंकरिंग डिजाइन है जो RW जलाशय में 75 एकड़ में फैला हुआ है। इस परियोजना में 1 लाख से अधिक सौर पीवी मॉड्यूल से बिजली पैदा करने में क्षमता भी रहेगी इसकी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और इसे 1 नवंबर 1956 को राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और आपने देखा होगा यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है, Y.S. जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन, हर साल प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत आप लोगों ने पढ़ी होगी, मुझे लगता है कि 10वीं तक रहती थी आपकी संस्कृत, फिर आप लोगों ने अगर चॉइस की होगी, चुनी होगी, तो ये अलग बात है संस्कृत दिवस के बारे में, और भारत में एक शास्त्रीय और 8वीं अनुसूची में भी भाषा भी है, समझ रहे हैं? 2020 में उत्तराखंड सरकार ने नियमित रूप से संस्कृत का प्रयोग सिखाने के लिए राज्य भर में संस्कृत ग्राम भी विकसित किए हुए थे। तो श्रावण मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की अमावस्या को, श्रावण मास की दशमी को, श्रावण मास की त्रयोदशमी को, तो बताइए इसमें से क्या होगा? श्रावण मास की पूर्णिमा को, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22 अगस्त 2021 को मनाई गई विश्व संस्कृत दिवस, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, ला गणेशन किस राज्य की नए राज्यपाल बने हैं? मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, मणिपुर। तो याद रखिए मणिपुर की है। और मणिपुर की अगर बारे में कुछ और पॉइंट आपको बताएं तो पूर्वी भारत में देखेंगे आप लोग एक राज्य है मणिपुर, और इसे अगर राज्य बनाने की बात आए तो इसे राज्य इसे भारत में विलय किया गया था 15 अक्टूबर 1949 में, ठीक है। और यहाँ आप लोग एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं यहाँ। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, और रखने भी चाहिए कहियो, रखोगे या नहीं रखोगे? मणिपुर, मणिपुर या मणिपुर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है? लाडली लक्ष्मी योजना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात। तो याद रखिए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरुआत की है, इसकी लाडली लक्ष्मी योजना की। इसमें क्या होगा, इस योजना में आखिर होगा क्या? तो याद रखिए मध्य प्रदेश सरकार की जो लाडली लक्ष्मी योजना है, इसमें कॉलेज में प्रवेश करने वाली बेटियों को एक मुफ्त 20,000 रुपये की दिए जाएंगे, और यानी कि यदि कॉलेज में आपकी बेटी दाखिल लेती है तो दाखिला लेते ही 20,000 रुपये एक तरह से उसे मिलेंगे, और थोड़ी सी प्रक्रिया के बाद ये पैसा छात्राओं के खाते में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूँ। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था, और जब तक छत्तीसगढ़ सन 2000 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब तक आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में राज्य था। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बना है? 11,000 फीट, उत्तराखंड, उड़ीसा, मणिपुर, तेलंगाना। तो याद रखिए उत्तराखंड में ये बना है। कहाँ बना है? उत्तराखंड में बना हुआ है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो थर्मल, एक उत्तराखंड के चमोली जिले में माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन विकसित है, और आपको इसमें मालूम होना चाहिए 3 एकड़ भूमि में कम ये फैला हुआ है। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम बता चुका हूँ कि ये उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है बताइए, कुछ कौन है उत्तराखंड की वर्तमान मुख्यमंत्री? और यहाँ के पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान। और यहाँ आपको देखने 71 सीटें हैं विधानसभा में देखने को मिलेगी, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी है? 5 सीटें हैं, 3 सीटें आपकी राज्यसभा में हैं। ये आप लोग याद रख सकते हैं, कम से कम क्वेश्चंस पूछे दो आप लोग बेहतर बता पाएंगे। देखिए एक तो एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए 70 सीटें बची हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर न्यू वोल्ट बनाया है? IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT खड़गपुर। तो याद रखिए इसमें आपका IIT मद्रास होगा, IIT मद्रास ने ये काम किया हुआ है। किसने? IIT मद्रास ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया है, जिसका उपयोग ऊबड़ खाबड़ वाले इलाकों में भी किया जा सकेगा, ठीक है। और इसकी गति, अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक यात्रा भी कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस केंद्र सरकार ने किसे नवगठित सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया है? अब रवीश कुमार शुक्ला, अभय सिंह त्रिपाठी, अभय कुमार सिंह और राजीव सिंह चैन। तो याद रखिए अभय कुमार सिंह होंगे इसमें, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यूपी सरकार ने राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम क्या रखा है? राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है ना, अटल भारत मार्ग, अनंत कुमार मार्ग, कल्याण सिंह मार्ग या फिर आपका सुषमा स्वराज मार्ग। तो आप सभी को मालूम है कि हाल में ही इनकी कल्याण सिंह की डेथ हुई है, तो इनका इनके नाम पर कल्याण सिंह मार्ग इसका नाम रखा गया है। और उत्तर प्रदेश तो आप सब लोग जानते हैं कि राजनीति में नंबर 1 है,
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन एनबीए खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? जगन्नाथ सिंह, अशोक ठाकुर, फ्रेंसपाल सिंह, लोकेश जायसवाल। तो याद रखिए पहले भारतीय है तो इसमें है प्रिंसपाल सिंह। कौन होंगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें, प्रिंसपाल सिंह। बास्केट खिलाड़ी प्रिंसपाल सिंह एनबीए खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और टीम सैक्रामेंटी किंग्स ने 2021 में एनबीए समर लीग का खिताब अपने नाम किया हुआ है। और 20 वर्षीय प्रिंसपाल एनबीए में किसी भी स्तर पर चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। कौन व्यक्ति जर्मनी में भारत के नए राजदूत बने हुए हैं? जर्मनी में राजदूत बने हैं मानिक स्वामी, हरीश परवथानैनी, रंजन गुप्ता और आतिश चतुर्वेदी। तो याद रखिए इसमें कौन होंगे? इसमें होंगे हरीश परवथानैनी। ठीक है, और जर्मनी की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जर्मनी कहाँ है। यूरोप में देखेंगे आप लोग, एक देश है जर्मनी और बर्लिन इसकी राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। कौन न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर बनी है? कौन न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर बनी है? कैथी नोचुल और एडिज मॉरिस, पेरी चार्ल्स, जीली रॉफ्सन। तो याद रखिए कैथी होचुल, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जारी वर्ष 2021 की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की बात हो रही है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो याद रखिए दूसरे नंबर पर है भारत, इसमें क्या है, भारत दूसरे वे नंबर पर है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग। और इसमें अगर हम लोग बात करें और तो सबसे अधिक एक तरह से आपके ये यह यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों में वैश्विक विनिर्माण की दृष्टि सबसे फायदेमंद स्थानों का आकलन करता है। ठीक है, तो इसमें हम भारत को दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। यूएसए को तीसरा मिला है। ठीक है, कनाडा और चेक गणराज्य को क्रमशः चौथा और पांचवा स्थान मिला है। और पहले नंबर पर आपका चाइना बना हुआ है। ठीक है, हमारा पड़ोसी है ना चाइना, उसी की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार ने किसी राज्य की कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नीरज चोपड़ा, शिखर धवन, आमिर खान और पवनदीप राजन। तो याद रखिए पवनदीप राजन को बनाया हुआ है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। EIU द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है, बताइए इसमें। ए ऑप्शन आपसे कह रहा है कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का है, कोपेनहेगन डेनमार्क का है, बेंगलोर भारत का है, टोरंटो कनाडा का है। तो इसमें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा, यही रिपोर्ट जारी करता है। तो इसमें आपका होगा कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क आपने देखा होगा कई रिपोर्टें जारी की जाती हैं तो डेनमार्क ऊपर रहता है, यूरोप का एक देश है। ठीक है, राजशाही चलती है यहाँ। इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ठीक है, उत्तरी यूरोप में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी ओ चंद्रशेखरन का 86 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है? फुटबॉल से जुड़े थे, हॉकी से जुड़े थे, या क्रिकेट से, या फिर आपके शतरंज से? तो याद रखिए फुटबॉल के खिलाड़ी थे। किसके थे? फुटबॉल के खिलाड़ी थे ओ चंद्रशेखरन। ठीक है, एक फुटबॉल से जुड़े हुए थे। और आपको बता दूं कि इनका 86 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है। केरल के रहने वाले थे चंद्रशेखरन। 1960 में हुई रोम ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था इन्होंने। ठीक है, और चंद्रशेखरन साल 1962 में हुए एशियन गेम्स का भी हिस्सा थे जिसमें गोल्ड मेडल जीता था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील खोलेगा? सिडनी ऑस्ट्रेलिया, दुबई यूएई, वुहान चीन, लंदन। तो याद रखिए दुबई यूएई, यूएई में खोलेगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, यूएई में। और यह ऑब्जर्वेशन
भील 38 मिनट में एक चक्कर और लगभग 76 मिनट में दो चक्कर लगाएगा, और लंदन आई की ऊंचाई से लगभग दो गुना ऑब्जर्वेशन भील आगंतुकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? इसमें है रविंद्र गुप्ता, प्रभुदयाल नेहरा, अजय कुमार, महेश चावला। तो आप याद रखिए अजय कुमार होंगे इसमें। अब देखिए आरबीआई की बात हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई, हमारी केंद्रीय बैंक है। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी कोलकाता में स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। कौन व्यक्ति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए? मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के नए हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट आपका कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर में इसका मुख्य ब्रांच, इसकी खंडपीठ है आपकी ग्वालियर और इंदौर में। प्रणय वर्मा, अजीत नांदेड़, रमन भटनागर, अमित प्रजापति। तो याद रखिए प्रणय वर्मा होंगे इसमें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में गुजरात के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? गुजरात की बात हो रही है, और इसमें आपका नवजीवन दास, पंकज कुमार, वरुण महात्मा, पीयूष चोपड़ा। तो याद रखिए पंकज कुमार होंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए गुजरात के बारे में बात करें तो 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। गांधीनगर इसकी राजधानी है, और यहाँ के भूपेश पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 11 हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और आप देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वहीं से आते हैं। ठीक है, और होम मिनिस्टर साहब भी इसी में वहीं के। कौन भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए प्रमुख बने हुए? तेजपाल शर्मा, रमेश गोयल, संजय अरोड़ा, अरविंद सिंह। तो याद रखिए संजय अरोड़ा होंगे इसमें, संजय अरोड़ा होंगे। और ITBP की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहते हैं इसे। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला है, कौन व्यक्ति सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक बने हुए हैं? BSF की बात हो रही है अब। ठीक है, शंकर चौधरी, पंकज सिंह, गोविंद राठौर, महिपाल सिसोदिया। अगर आप लोग देखिए किसी फोर्स की तैयारी करते हैं तो आप लोग जरूर इनके बारे में याद रखा करिएगा। तो पंकज सिंह होंगे इसमें, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हर वर्ष 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बलबीर सिंह सीनियर, मेजर ध्यानचंद, केडी जानो, राजीव गांधी। तो मेजर ध्यानचंद के। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। और एक बात याद रखिए, 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। क्या रखोगे? याद तो रखना ही पड़ेगा, नहीं रखोगे क्या? ये 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था पहली बार, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रखना चाहे तो जैसी इच्छा हो फिर आपकी। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने, मेजर ध्यानचंद ने भारत के लिए 1926 से लेकर 1949 तक हॉकी खेली। अपने करियर के दौरान मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928 में, 1932 में, 1936 में गोल्ड मेडल जिताया था। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो ये बात रही है मेजर ध्यानचंद की। दिल्ली सरकार ने किसे देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा, सोनू सूद, विराट कोहली, अक्षय कुमार। तो याद रखिए इसमें कौन होंगे? आपके सोनू सूद साहब होंगे। और आप देखिए कि इन्होंने काफ़ी विलन का रोल निभाया हुआ है मूवियों में, लेकिन हकीकत की दुनिया में अगर कोई हीरो बन के उभरा है तो सोनू सूद उभरा है। आप देखते हैं कितना अच्छा काम किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उड़ीसा सरकार ने किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया है? वीरेंद्र लाकरा, दिलीप त्रिके, रोशन मिनाज, अमित रोहितास। तो याद रखिए अमित रोहितास दिया गया है। उड़ीसा की बात हुई है, उड़ीसा एक राज्य है ना, तो उसी की बात हो रही है।
भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर अमित रोहित दास को खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बीजू नायर पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया है, और उन्हें एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपये का नगद पुरस्कार भी मिला है इसके तहत। ठीक है, और एक बात और आपको बता दूं, उड़ीसा के बारे में बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, राज्य का राज्य बनाया गया था, और यहाँ इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और यहाँ नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लिया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश होगा, अब इसकी देखभाल यही करेगा। ठीक है, फंडिंग वंडिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है पैरालंपिक खेल में? मीनाक्षी साह, गायत्री नेहरा, दीपिका पांडे और अवनी लेखरा। तो याद रखें अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी। पैरालंपिक कहने का मतलब होता है कि जो विकलांग होते हैं कहीं से वो इस खेल में भाग लेते हैं, और ये भी आपका टोक्यो जापान में ही हुआ है। ठीक है, किस देश से संबंधित खिलाड़ी स्टुअर्ट विन्नी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? भारत के थे, इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, न्यूजीलैंड के थे, बताइए। स्टुअर्ट विन्नी कहाँ के थे? स्टुअर्ट विन्नी इन्होंने ये अपने ही भारत के हैं। ठीक है, और भारत की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, और अपने पड़ोसियों की बात करें तो आप सभी को पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। और जलीय सीमा की बात करें तो आप देखेंगे कि पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी आपको श्रीलंका और भारत के बीच देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा सीमा की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा सीमा हमारी अब बांग्लादेश से लगती है, त्रिपुरा को तीनों तरफ से बांग्लादेश घिरे हुए है, सबसे कम सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी HSBC एशिया के निदेशक बने, बताइए। ए ऑप्शन आपसे कह रहा है शुभम झा, बी कह रहा है दीपक कुशवाहा, रामनाथ सिवार और रजनीश कुमार, बताइए कौन होंगे इसमें? कुछ बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? तो रजनीश कुमार होंगे इसमें। ठीक है, HSBC की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है ये, और 3 मार्च 1865 में इसकी स्थापना हुई थी हांगकांग में, और इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन यूके में देखने को मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के ने एक साथ शपथ ली हुई है, ग्रहण की हुई है, अब न्यायालय में कुल कितने जजों की संख्या बढ़कर हो गई है? 33, 36, 39, 41। तो याद रखिए टोटल 33 हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कई बार क्वेश्चंस क्या होता है आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी आपके राज्यों में देखने को मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सुप्रीम कोर्ट के साथियों? सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। एक तो आप मुख्य न्यायाधीश भी देखते होंगे, एक आप और अन्य न्यायाधीश देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं इसकी राय। अगर इसकी नियुक्ति की बात है तो याद रखिएगा, देखिए संविधान का भाग 5 है जो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक आपके सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रियाओं की बात करता है, उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें आप टोटल 33 हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, गलत कह रहा हूँ? छब 28 जनवरी 1950 को वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं ना, यही आया है। ठीक है, तो ये आप लोग
याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्या बढ़ते हैं, बढ़ चुके हैं। ये आपके अगस्त महीने का जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएं घटी थी उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्हें हम लोगों ने एक-एक करके देखा हुआ है। कुछ कमी रह गई हुई तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं। अगस्त के बाद सितंबर महीने, अगले सितंबर महीने की हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में, और तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है।